अभी हम लोग निकल रहे हैं तुरतुक के लिए, वाया हुंदर होते हुए जाएंगे। ये बिस्किट में पेट्रोल पंप है, ये यहाँ का आखिरी पेट्रोल पंप है। फाइनली वी हैव रीच्ड एट हुंदर। दे दे इसमें 300 और 450 गए, 15 में 300 और 450। ये देखो इधर सूखे सूखे, ये है ना सर, ये पाकिस्तान में है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फिर से शुरुआत करते हैं एक नए दिन की। होटल से हम लोग निकल चुके हैं, सुबह थोड़ा लेट उठे तो जल्दबाजी में व्लॉगिंग का टाइम ही नहीं मिला। अभी हम लोग निकल रहे हैं तुरतुक के लिए, वाया हुंदर होते हुए जाएंगे। बिस्किट में हमने 2 दिन का स्टे लिया हुआ है, लेने के बाद में फिर हम निकलेंगे कल पेंगोंग के लिए। सो ये छोटे छोटे गांव हैं, यहाँ पर घर थोड़े से अजीब शेप में है, यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ ऐसे नहीं है, अलग है। ये कैसा रास्ता है, अजीब सा। और निकलते ही ऑफ रोडिंग की शुरुआत हो चुकी है, जगह जगह गांव में ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आई थिंक ये कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, आई डोंट नो ये क्या है। रूम टूर वापस आने के बाद मैं कराता हूँ आपको। ये वो रास्ता नहीं है, गांव के अंदर अंदर से होकर हम आ गए, पर चलो कोई नहीं, ऑफ रोडिंग की ही मज़े ले लेते हैं। यहाँ से हुंदर की ओर, हुंदर में थोड़ी देर रुकेंगे, वहाँ पर डबल हम कैमल है एंड सैंडी यून्स भी है, ATV राइड्स हैं और पता नहीं क्या क्या है, वहाँ जाकर पता लगेगा। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं हुंदर की। डिस्किट से हुंदर तक की जो दूरी है वो ओनली 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है। एंड हुंदर से जो तुरतुक है वो होगा अराउंड 88 किलोमीटर्स। सामने से आर्मी का ट्रक आ रहा है, जय हिंद जनाब बोल के निकलेंगे। इतनी लंबी राइड में 10-12 किलोमीटर तो हमें कुछ लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है 100-200 मीटर है। ये देखो ये बालू रेत है, सैंड ड्यून्स जिसको बोलते हैं ये लोग। इतनी हाइट पे इतना रेत, पता नहीं कहाँ से आया। ये बिस्किट में पेट्रोल पंप है, ये यहाँ का आखिरी पेट्रोल पंप है, इसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है। अगर आप बिस्किट से हुंदर तुरतुक जा रहे हैं तो यही लास्ट पेट्रोल पंप है, और अगर आप पेंगोंग की तरफ जा रहे हैं तब भी यही लास्ट पेट्रोल पंप है। अपना जेरी कैन, बाइक वाइक सब कुछ यहीं से फिलअप करके लेके जाना, फुल करके लेके जाना। अपनी का तो अभी ठीक ठाक है हिसाब किताब, अपनी तो चलेगी, अपने को अभी पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है। तो सीन कुछ इस टाइप से है, सुमित की बाइक में फिर से इशू आ गया है, कुछ टायर का इशू है, ब्रेक जैम होके चल रहे हैं, टायर थोड़ा सा अगले वाला टाइट चल रहा है। बिस्किट में लास्ट मैकेनिक है, इसके बाद कोई मैकेनिक नहीं है, तो हमने रिस्क नहीं लिया, हम वापस बिस्किट आए हैं। बिस्किट में हमने मैकेनिक के पास बाइक छोड़ दी है, वो शाम तक करके दे देंगे। सैंड ड्यून्स हम लोग पहुँच चुके हैं, और ये कुछ सराय नुबरा करके है, बच्चे देखे कैंडी देते हैं इनको। आप भी ले लो, पकड़ो, नहीं चाहिए, एक ले लो, दांत खराब है, ज़्यादा खा लिया, चॉकलेट ज़्यादा खा लिया। बच्चे हैं, उन्हीं के लिए तो लेके आया था। जी सर, झूले सब ठीक ठाक, आगे का एंट्री टिकट है, कितने का है? 350? हाँ 350 का। कितने का है? ड्रोन उड़ाने के लग 20 रुपये का सर। ड्रोन उड़ा सकते हैं यहाँ? हाँ सर, उड़ाने वाला उड़ा सकते हैं। चलो, वी हैव रीच्ड एट हुंदर। यहाँ पर है सैंड ड्यून्स, यहाँ से वहाँ तक सब जगह सैंड ड्यून्स है, और इधर की साइड है डबल हम कैमल। इनके ये 2 कुबड़ निकले होते हैं, इस वजह से इन्हें डबल हम कैमल बोलते हैं।
क्या चार्जेस ले रहे हो भैया? हाँ सर, कितना चार्जेस है इसमें? 300 और 450 का है, दोनों में डिफरेंस वो 15 मिनट का है 300 वाला। अच्छा, 400 वाला आधे घंटे का। आधे घंटे का 450? हाँ 450। ओके, चलो यहाँ की जो चीज़ें थी वो एक्सप्लोर हो गई। अभी निकलते हैं सीधा तुरतुक के लिए। तुरतुक यहाँ से 77 किलोमीटर है, आई थिंक 1.5 घंटा लगेगा पहुँचने में। अभी हम लोग हैं आर्मी गुडविल स्कूल के नाम से है प्रतापपुर में। यहाँ पर भी प्रतापपुर एक और पूरा डिज़ाइनिंग जो है पूरा आर्मी टाइप में पूरा डिज़ाइन दिया हुआ है। यहाँ पर सारे में नज़ारे दोनों तरफ पहाड़, इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है और वो दूर ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई है। यहाँ पे भी एक टाइप ऑफ मोनेस्ट्री है लेकिन शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये क्या है? सियाचिन पारागमन शिविर, आई थिंक आर्मी का बेस कैंप है। ये आर्मी का बेस कैंप है। एक फ़ोटो शूट करना था, कुछ मन में सोचा हुआ है लेकिन थोड़ा आर्मी एरिया है, हो सकता है इशू क्रिएट हो। इट्स बेटर, लेट्स मूव ऑन। आर्मी के ट्रक यहाँ से पास होते हुए, ये देखो इधर सूखे सूखे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इधर भी सूखे पहाड़, इधर भी सूखे पहाड़ और बीच में ग्रीनरी देख रहे हो। अरे वाह गाइस, क्या रोड है। क्या सीन है। रुकने का नहीं, रुकना नहीं, रुकना नहीं, रुकना नहीं, रुकना नहीं, आराम से आराम से।
आराम से ये मेरे को लग रहा है लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पर। लैंडस्लाइड होने के बाद मेरा रास्ता बनाया गया है। आराम से थैंक यू। भैया ने पीछे कर ली मेरी वजह से, मुझे देख के पीछे कर ली उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। हाय हाय, कितना रह गया? 44 घंटा। हाँ भाई, बड़ा गंदा रास्ता था यार। मेरी फट गई थी। सारे पहाड़ पत्थर के हैं, जो हार्ड रॉक होती है। ये जो बराबर में हमारे नदी बह रही है, दिस इज कॉल्ड श्योक रिवर, और यही नदी ना यहाँ से पाकिस्तान जाती है। यहाँ पाकिस्तान में बहते हुए और सीधा पाकिस्तान निकलती है। तुरतुक है, तुरतुक से निकलते हुए हमें त्याक्षी विलेज जाना है, जहाँ से हमने सुना है कि आर्मी का जो बेस कैंप है पाकिस्तान का, वो दिखता है। तो वहीं देखते हैं एक बार। और यहाँ पर ख़राब रास्ता फिर से आते हुए, और सामने हमारे कच्चे पहाड़ हैं। उनकी शक्ल देख के पता लग रहा है कच्चे पहाड़ है ये। ये श्योक रिवर, श्योक नहीं है, श्योक है, SHYOK, श्योक रिवर। ये है शॉक्सकम वैली, और बॉकटांग विलेज अभी यहाँ से 13 किलोमीटर है। बॉकटांग के बाद हमारे पास में तुरतुक आएगा, फिर तुरतुक के बाद त्याक्षी। तुरतुक से अराउंड 5 किलोमीटर है त्याक्षी विलेज, तो वो देखते हैं। तो अभी हम हैं यहाँ पुलिस चेक पोस्ट पर, 8 किलोमीटर यहाँ से बॉकडैंग से हमें रिवर, श्योक रिवर को क्रॉस करने के बाद में तुरतुक फैरल, और तुरतुक से हमें जाना है त्याक्षी जाना हमें। ठीक है, हाँ त्याक्षी अलाव है। थांग ये जो है, ये थांग विलेज जो है, यहाँ हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि ये नियर अबाउट LOC है, सो टूरिस्ट को नॉट अलाउड है। स्पीड लिमिट 5 एट अ टाइम। लकड़ी का बना हुआ है ये, दिख रहा है? देखो, मैंने किस चीज़ से खींचा हुआ है ये। बॉकडांग विलेज में अभी हम सब लोग हैं, और यहाँ से बस निकल रहे हैं। बच्चे पूरे मस्ती रहे हैं भाई, पूरे मस्त बच्चे हैं। मेरे को लग जाएगी। मैं तुम। दे दो। किसको देनी है? दे दो। तुमको देनी है? रुको, लो 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 लो, सब लेके सब लेके। लो बांट लो, चलो अच्छा बांट लो, चलो। देखो गिर गई, नीचे गिर गई। नहीं मिला, और किसको नहीं मिला? पीछे पीछे पीछे, पहले अच्छा पहले इधर आओ सर, सब लोग इधर आओ। हाँ तुम्हें नहीं मिला, अभी मैं सबको देता हूँ। पहले हटो, पहले पीछे हटो, पीछे हटो। किसको नहीं मिला बताओ? लो 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 लो, चलो लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बांट लेना, चलो चलो, बस हो गया, चलो। कोई बात नहीं, चलो। बच्चे हैं बेचारे, ये भी हमारा वेट करते हैं, इन्हीं के लिए लेके आया था मैं। बाकी जो बची हैं वो तुरतुक में देंगे। स्टिकर लगा दिया है, बटर चाय वगैरह लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तुरतुक 9 किलोमीटर यहाँ से रह जाता है, देन बीच में ये रेस्टोरेंट पड़ता है, और काफ़ी फेमस है। नाम तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा अभी तक, लेकिन पता नहीं कुछ बटर टी वगैरह की फेमस है, देखते हैं।
चाउमीन मिलेगा, फ्राइड राइस मिलेगा, चाउमीन होगा, फ्राइड राइस होगा, और यहाँ का लोकल एक डोसा बनता है जो भाई सब खा रहे। लोकल डोसा? हाँ, वो ज़्यादातर वो खाते हैं यहाँ पे। वेज है नॉन वेज है? वो एक तो मिलेगा आपको, तीन टाइप में मिलेगा, एक मसाला में मिलेगा, हाँ, एक अंडा वाला में मिलेगा, ठीक है, एक प्लेन मिलेगा। प्लेन वाला मंगा लूँ? कितने का है? प्लेन वाला 50 का है। प्लेन वाला तो प्लेन वाला तीन। और आपके यहाँ कोई बटर चाहिए, बटर टी कुछ ऐसा मिलता है? मिलेगा बटर टी को। तो बटर टी दे दो और एक प्लेन डोसा दे दो, मतलब तीन प्लेन डोसा और तीन बटर टी। डोसा तो आपको यहाँ ही मिलेगा, उसका जो आटा है ना वो बकव्हीट आटे का है। किसका आटा? नेट पे है ना, आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। किसका आटा है वो? बकव्हीट। बकव्हीट? बकव्हीट, बकव्हीट का। अच्छा, लेके आइए। नमक कम पड़ गया क्या? टुलटुक में गेस्ट हाउस की भी फैसिलिटी है। वेलकम टू त्याक्षी गाइस। आफ्टर द टुलटुक अराउंड 3 किलोमीटर्स द चेक पोस्ट। ये देखो सामने बंकर, इनकेस अगर फायरिंग होती है तो बंकर इज देयर। वेयर आर यू फ्रॉम? दिल्ली। दिल्ली? गाजियाबाद बोलूँ समझ में नहीं आता इसलिए दिल्ली। चलो ये खेस दो। जय श्री राम। हमारा तो बाइक है, हमारा तो बिल्कुल एंड तक जाएगा। त्याक्षी विलेज पैदल पैदल हम लोग जाते हुए, बाइक हमारी सब नीचे ही खड़ी हो चुकी है। ये क्या है साथ पे? ये टैटू बनवाया है। और ये क्या है? ये नाम। ये नाम है? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद अफरीदी है। शाहिद अफरी, शाहिद अफरीदी? भाई वाह। ये मशीन है आटे की? हाँ, इसमें पीसते हैं यार अंदर। चुक सच वो सामने। ये आटा पानी किससे पीसता है? पानी के प्रेशर से? ये है ना, हाँ, इसके वो नीचे अंदर एक पंखा है। अच्छा, उसको पानी लगता है तो ये घूमता है। अच्छा अच्छा, इसमें आटा पीसता है। ग्रेट। ये पंखे को देखना, पंखा भी देखेंगे। अरे वाह, अभी बंद है ये? हाँ अभी बंद है। अच्छा अच्छा, चाहिए कॉफी? चाहिए? इसको नहीं देना, ये गाली देता। गाली देता है ना? गिर गया, चोट नहीं लगा? गाली तो लगेगा। ये पानी है ना, हाँ, पर चश्मे से आता है। कहाँ से आता है? के ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से आता है पानी। हाँ, चश्मे से आता है, एकदम मिनरल वाटर है। इसको पीते हैं लोग यहाँ पर? हाँ, बहुत ठंडा होगा ये। ठंडा है? हाँ। जो पाकिस्तान का बॉर्डर दिखता है इधर से तो नहीं दिखता है, वो कहाँ से दिखता है? अभी नीचे होता है इधर से। वो नीचे है? हाँ। अच्छा, ये एप्रिकॉट का पेड़ है, इसमें लगे हुए भी हैं। अभी कच्चे हैं। कच्चे? क्या है? एप्रिकॉट। पानी पूरा, पानी एकदम फ्रेश प्योर है, इसी पानी को यहाँ के लोग पीते हैं। ये क्या मिलता है? ये लो एप्रिकॉट ऑयल। यहाँ पे एप्रिकॉट ऑयल किस चीज़ में काम आता है? एप्रिकॉट ऑयल वो तो गुन्नू में दर्द दर्द, इसको लगाने से ठीक होता है, इसके मालिश करने से। अच्छा, फिर जिसका बाल हुआ वो फूट रहा हूँ, हाँ, वो उसको बाल को लगाते हैं तो आता है बाल। अच्छा, ये मस्जिद है नीचे, बहुत मस्जिद है। हाँ,
बंद है? बंद तो नहीं है, ये कभी बंद नहीं होते। ये क्या लिखा हुआ है? हजरत अमीर कबीर। हजरत अमीर कबीर। अमीर कबीर, हाँ। मीर सईद अली हमदानी। मीर सईद अली हमदानी तक में यहाँ पर तशरीफ लाए थे। कब तशरीफ लाए थे? तख्त में, इधर एक तख्त। अच्छा अच्छा अच्छा, तख्त पर तशरीफ लाए थे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है और बिल्टिस्तान भी बोली जाती है। बाल्टिस्तान। बाल्टिस्तान, हाँ। अखरोट का पेड़। इसमें क्या आ रहा है? पानी। उधर पोस्ट फौजियों के लिए राशन पानी की है। पोस्ट है ऊपर, हाँ। आर्मी ऊपर पहाड़ों के ऊपर है। उधर आर्मी के लिए, आर्मी के लिए पानी जाता है इनसे? हाँ, राशन पानी जाता है इसके ऊपर। अच्छा, ये सब तो कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान है सब? हाँ। स्कूल, ये क्या चीज़ है? ये भी स्कूल का एक हिस्सा है। अच्छा, छोटा सा प्ले ग्राउंड है वॉलीबॉल का। आपका स्कूल किधर है? हमारा स्कूल अभी नीचे नया बना है, 5 साल हुए स्कूल को बंद किया। अच्छा, हाल से वैसे क्या डॉक्टर वगैरह होते हैं? डॉक्टर, हाँ डॉक्टर है। अच्छा, ये पाकिस्तान के टाइम का है? ये तीन कैमरा पाकिस्तान के समय का, ये तो बाकी। अच्छा, ये तीन है पाकिस्तान के टाइम के, और ये बाद में, ये बाद में बना है। अल्लाह का कसम। तो ये अभी भी चलता है? अभी नहीं चलता, अभी 5 साल हो गए बंद हुए। इसके जगह पे नहीं है, नीचे नया बना है। अच्छा, टीचर वगैरह सब यहीं से ही हैं? ये टीचर वगैरह जो है सब यहीं से ही हैं? नहीं नहीं नहीं, ले से आते हैं। अच्छा, ले से आते हैं। नाम क्या है वाले विलेज का? इसलिए थंग थंग, हाँ थंग। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से टूरिस्ट को शायद एंट्री नहीं है। हाँ, क्योंकि पहले था भैया, अभी कोरोना के वजह से नहीं चल रहा है। थंग तक पूरा था। अच्छा, हाँ। सामने जो पहाड़ है, इस पहाड़ के जस्ट पीछे पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का बेस कैंप है या फिर वहाँ से पाकिस्तान गांव वगैरह शुरू हो जाते हैं? गांव शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और ये नीचे आप जो सिटी देख रहे हो, इस सिटी से विलेज का नाम है थांग, और पहले टूरिस्ट को एंट्री थी, अभी नहीं है फिलहाल कोरोना की वजह से। नहीं, काफ़ी है। शुरुआत में एक दो टेस्ट पे लगा था मुझे, पर अच्छा ही लग रहा है। भैया थक गए, भैया को सिर्फ पानी चाहिए और कुछ नहीं। चाय भी पियो ना अपना, लोकल चाय भी पियो। नहीं, गला सूख रहा है तो पानी की जरूरत है। आप मम्मी पापा सभी रहते हैं? नहीं, मैं पापा ले में रहते हैं। अच्छा, उनका जो कर लेना। इसको थोड़ा खा खा भैया, बहुत अच्छा था। ना नहीं, आटे के साथ और क्या क्या इसमें? बटर भी होता है, बटर होता है, थोड़ा चीनी होता है और लोकल चाय होता है। आप लोगों का चीनी, आपका चीनी अलग होता है? नहीं भाई, चीनी तो सब सेम होता है। आप इधर चीनी वगैरह सब हल्का खाते हैं, है ना? हाँ भैया, मीठा हल्का, नमक हल्का, हर चीज में नमक ही होता है, तो नमक तो ज्यादा ही हो गया ना। खाना भाई, चाय और उसका कॉम्बिनेशन अच्छा है। थैंक यू इसके लिए भी और इसके लिए। इसको बोलते क्या है? क्या फिरका? हमारे भाषा में फिरका। फिरका, अरे फिर ये फिरका है। चलो ठीक है, हमने यहाँ से पानी स्टोर कर लिया। बीमारी नहीं है, मशीन लगा के देखा है, ताजी पानी है, फस आया है। ठीक है सर, मिलते हैं सर। लुट तो हमारा बस भी, लेकिन झंडा नहीं है ना। अच्छा, झंडा हमसे ले जाओ सर। बहुत अच्छे लोग हैं और काफ़ी फ्रेंडली भी हैं। मेरे पास में तुर्तुक के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको रूम पर पहुँच कर दूंगा, क्योंकि आई थिंक 5 या 10% ही बैटरी बची हुई है अभी खाली गोप्रो में। सेकंड बैटरी मुझे लगा चार्ज है, लेकिन ये चार्ज नहीं है। तो एक ही बैटरी पर मैं पूरे दिन चल रहा था, तो कोई बात नहीं। अभी हम वापस जा रहे हैं डिस्केट की तरफ, तो रास्ता वही सेम है, तो मैं दोबारा से दिखा कर आपको बोर नहीं करूँगा। और मिलते हैं सीधा डिस्किट पहुँच कर सर। सो हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली वी आर एट
होटल इन डिस्किट अगेन। थुरतुक काफ़ी बहुत अच्छा विलेज है, बहुत ही कोऑपरेटिव बंदे हैं, और वहाँ का जो फेमस है ड्राई फ्रूट है फेमस एप्रिकॉट, हिंदी में उसको खुबानी कहते हैं। तो आपने जो देखा होगा शाहिद अफरीदी और एक बंदा और भी था मेरे साथ में जो मेरे को मिले थे, उन्होंने मेरे को ऑफ़र भी किया था, और उनके यहाँ मैंने बटर टी तो नहीं कह सकते, बटर टी हमने एक रेस्टोरेंट में पी थी तो मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आई इसलिए मैंने नहीं पिया। तो उन लोगों ने मेरे को बटर टी ऑफ़र किया था लेकिन बटर टी मैंने नहीं पिया। उन्होंने मेरे को पता नहीं कुछ नमक का यहाँ पर चाय मिलता है और उसका चाय का कलर जो था वो पिंक कलर का था, आटा होता है बाल्टी गाँव का कोई आटा वाटा है उसका, उन्होंने कुछ मिक्सचर टाइप का भी मेरे को दिया था, वो मतलब एवरेज ऑन ठीक ठाक था, काफ़ी सही लगा मेरे को। और दोनों का कॉम्बिनेशन तो अल्टीमेट है यार, अगर आप तुरतुक जा रहे हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उन्होंने जो है मेरे को ऑफ़र भी किया था एप्रिकॉट के लिए, मींस खुबानी के लिए, तो खुबानी मैं लेके आया हूँ। ये खुबानी है वहाँ पर फेमस है, और इसको फोड़ हुए अगर इसके अंदर बीज निकलता है, और इस बीज को अगर फोड़ते हो तो इसके अंदर एक बादाम टाइप का मिलता है जिसको आप खा सकते हो। ये काफ़ी गर्म है, आपको मतलब सर्दी के टाइम पर ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक श्योक रिवर बैंक के में जो तुरतुक त्याक्षी विलेज है ये लोकेटेड है, एंड यहाँ पर चार भाषाएं बोली जाती हैं, बाल्टिस्तान एंड उर्दू एंड हिंदी एंड सम अदर लोकल लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती है। ये बाल्टिस्तान रीजन के अंदर में आता है, जो बाल्टिस्तान एक्चुअली में पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है और पाकिस्तान द्वारा ही ऑपरेट होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर में ये चार विलेज नहीं आते हैं जो कि इंडिया के अंडर में आते हैं। वो क्यों आते हैं मैं बताऊंगा आपको। वो चार विलेज आई थिंक, एक तो त्याक्षी विलेज है, चालुंका विलेज है, एंड एक दोतांग विलेज है, एक तुरतुक विलेज है। ये चार विलेज ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये इंडियंस के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑपरेट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर का भी गेटवे है, यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर भी जाते हैं इंडियन आर्मी हमारी, जिसको हमारी तरफ से एक बिग सल्यूट है। और जो श्योक रिवर मैंने आपको दिखाई थी, ये श्योक रिवर यहाँ से बहते हुए पाकिस्तान निकलती है, देन मैंने आपको जो पहाड़ दिखाया था उस पहाड़ के जस्ट पीछे एक पाकिस्तान का विलेज भी दिखता है, प्लस बेस कैंप भी दिखता है। और ईद के टाइम पे उधर की साइड से भी दिए जलाए जाते हैं, इधर की साइड से भी दिए जलाए जाते हैं। बाकी आई होप आपको मज़ा आया होगा। जो पाकिस्तान के टाइम पे मदरसे बोल लीजिए या स्कूल बोल लीजिए, वो भी हम लोगों ने देखे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। बेसिकली क्या है, तुरतुक वगैरह जो था 1971 में इंडिया पाकिस्तान का जो वार था, उस वॉर में उससे पहले इंडियन 1971 से पहले ये चारों विलेज पाकिस्तान के अंडर में थे, पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑपरेट होते थे। लेकिन 1971 की वॉर के बाद में, इंडियन पाकिस्तान की वॉर के बाद में, ये चारों विलेज इंडियन के अंडर में आ गए, इंडिया के अंडर में आ गए, और इंडियन गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग ही ये ऑपरेट होते हैं। और एक चीज़ और, ये 6 महीने ऊपर रहते हैं, 6 महीने नीचे रहते हैं, इनके 2 घर होते हैं। पहला घर जो होता है वो तुरतुक में है और त्याक्षी विलेज में है, तुरतुक में भी हो सकता है, त्याक्षी में भी हो सकता है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए सर्दियाँ पड़ जाती है, सर्दी के टाइम पे ये नीचे आ जाते हैं, नीचे इनका घर होता है, वो कोई भी विलेज में इनका घर हो सकता है, लेकिन वो एक लो एल्टीट्यूड में होता है। यहाँ पर ये 6 महीने अपना बिताते हैं, देन वहाँ पर जब ऊपर बर्फ़ वगैरह सब कम हो जाती है, देन ये दोबारा से उस विलेज में दोबारा जाते हैं। सो अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी गुड रहा, काफ़ी अच्छा रहा, मुझे बहुत पसंद आया तुरतुक, लोग काफ़ी appreciated है फ्रॉम माई साइड एंड कोऑपरेटेड बहुत ज़्यादा है। और शाहिद अफरीदी के लिए एक बिग सल्यूट है, क्योंकि उस बंदे ने मेरे को पूरा तुरतुक के बारे में बताया, त्याक्षी के बारे में बताया, प्लस मेरे को जो जगह नहीं भी पता थी वो भी एक्सप्लोर कराया, देन वो फिर मेरे को अपने घर भी लेके गया और अपने हाथों से चाय भी बना के पिलाई, और पता नहीं वो उनके लैंग्वेज में कुछ बोला था उन्होंने, वो बाल्टिस्तान के कुछ आटे वाटे से बनता है, वो भी उसने मेरे को अपने हाथ से बना के खिलाया। जाएंगे प्यार से, मज़े करेंगे, देन हम फिर वहाँ से निकलते हैं। पेंगोंग के बाद शायद आई थिंक हम रमसी रुकेंगे, वो हम पेंगोंग जाके डिसाइड करेंगे। जैसे भी होगा विल अपडेट यू, कीप विद मी गाइज, स्टे ट्यून विद मी, और आपको ऐसी सुंदर सुंदर नज़ारे मैं और भी दिखाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे साथ बने रहिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मेरा फेसबुक पे भी चैनल है सेम नेम से, hankmank619 पे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा सेम नेम से। सो आज के लिए इतना है, फिलहाल आज के व्लॉगिंग को करते हैं एंड। गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।